बाद बनाने लगे हैं चिकन फ्राई, जिसके लिए हमें चाहिए चिकन 1 kg बोन स्लाइसेस में, ठीक है। इसके अंदर 2 tablespoon विनेगर और 1 tablespoon सॉल्ट डाल के इसको पानी के अंदर डिप करके 5 to 10 minutes छोड़ देंगे, देन इसको वॉश करके ड्राई करेंगे, ठीक है। अभी हम लोग बिना चिकन को मैरिनेट करने लगे हैं। मैरिनेट करने के लिए जो हमें सामान चाहिए उसमें है सोया सॉस 1 tablespoon, विनेगर 2 tablespoon, ऑल्सो सोया सॉस 1/2 tablespoon, हॉट सॉस 2 tablespoon, अगर किसी को ज़्यादा स्पाइसी चाहिए तो वो ले सकता है, सॉल्ट 1/2 tablespoon, केचप 1 tablespoon, क्रश चिल्ली 1 tablespoon, कॉर्नफ्लोर 4 tablespoon, ऑल्सो थोड़ी सी अजवाइन और एक एग चाहिए, ठीक है। अभी हम इसकी मैरिनेशन स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम लोग लेंगे एक एग, उसको इसके अंदर डालेंगे, ठीक है। देन हम इसके अंदर डालेंगे क्रश चिल्ली, जितनी भी सारे सामान है वो सब डालेंगे, सॉल्ट डालेंगे, अजवाइन डालेंगे, फिर केचप डालेंगे, देन अब इसके अंदर डालेंगे विनेगर 1 tablespoon एटलीस्ट। ये डार्क सॉस है, इसको हम डालेंगे ओनली 1/2 tablespoon। अभी हम इसमें डालेंगे विनेगर 2 tablespoon ओनली, देन डालेंगे हॉट सॉस, ये भी 2 tablespoon। अभी इसको पहले अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अभी इसके अंदर हम लोग डालेंगे कॉर्नफ्लोर, थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे ताकि ये स्टिक ना हो जाए। इसके अंदर डाल देंगे ये चिकन, ठीक है। देन इसको हाथ से अच्छे तरीके से मैरिनेट कर लेंगे इसमें। अगर कॉर्नफ्लोर कम लगे तो आप कॉर्नफ्लोर और भी यूज कर सकते हो। ये मैरिनेट हो गया, ठीक है। तो अभी हम इसको 30 minutes के लिए छोड़ देंगे, उसके बाद इसको डीप फ्राई करेंगे। इसको हिलाए बिना 2 minutes तक ऐसे ही छोड़ देंगे। इसको हम इस साइड चेंज करेंगे ताकि ऊपर वाले थोड़े से हो जाए। ये अभी हल्के से लाइट ब्राउन है, इसको डार्क ब्राउन करना है, ठीक है। सो सबकी साइड चेंज करेंगे और अभी इसको 1 minute तक और फ्राई होने देंगे। अभी देखिए गोल्डन ब्राउन होना शुरू हो गए हैं, सो इसको और ब्राउन होने देंगे ताकि ये अंदर से पक भी जाए और क्रिस्पी भी हो जाए। चूल्हा थोड़ा सा और हल्का कर देंगे। ये ब्राउन हो गया तो अब हम इसको बाहर निकाल लेंगे और 1-2 seconds के लिए ऐसे रखेंगे ताकि इसका ऑयल अच्छे से निकल जाए। और हम इसको प्लेट में निकाल देंगे। अब ये रेडी हो गए हैं, बाकी जो सारा हम ऐसे बना लेंगे। अब इसको रायते के साथ या किसी भी चीज़ के साथ खा सकते हैं।